गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे बिल्कुल फाइन हो गए। आज है सैटरडे और आज भी छुट्टी के दिन है, कोई क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जो है ना डू टेस्ट में कुछ टास्क है और कुछ टेस्ट वगैरह वो करना है। ये जो है ना ऑनलाइन जो है ऐसा कर दिया है। ये देखो हवा कितना तेज़ चल रहा है आज, जो है ना इधर हवा बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हवा तेज चल रहा है तो ठंड भी बढ़ गया होगा। और अभी यहाँ टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ ऑनलाइन जब से आया ना क्लासेस ऑफलाइन हो गया ना, फिर भी ऑनलाइन मेथड जो है ना हमेशा चालू ही रहता है। आज छुट्टी है लेकिन फिर भी ऑनलाइन वर्क करना है। तो अभी मैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और अभी हॉस्पिटल के बगल में ही एनाटॉमी का क्लास भी है, तो वहाँ सेकेंड ईयर वालों का आज क्लास लगा है, आज उनका हॉलीडे नहीं है। इधर से कुछ आ रहा है, एकदम सीधी लाइन बना के आ रहे हैं। तुम लोग लाइन बना के आ रही हो क्या, वन बाई वन? सबसे पीछे तो देखो ये जी, हाँ नमस्ते नमस्ते मिर्जा, नमस्ते भैया, मस्त। और ये देखो वली जी आ गए, मैं तो वली का ही वेट कर रहा था, वली और जिया। तुम लोग को लग नहीं रहा कि तुम लोग लेट हो आज एनाटॉमी क्लास में? सबसे लेट हमेशा ये रहता है जी। हाँ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जो है ना एप्रॉन चेंज करने के लिए रूम बना है, बाहर ही चेंज कर रहा। तो ये जो सामने रूम है ना, ये एप्रॉन चेंज करने के लिए है, यहाँ पे सब बच्चे एप्रॉन चेंज करते हैं। और एनाटॉमी का बिल्डिंग 18 नंबर बिल्डिंग है, एनाटॉमी चीज की कॉर्पस यहाँ लिखा हुआ है। और भी दो लोग आ रहे हैं, मस्त। तुम बताओ, वेदांत और जयशवंत, देख रहे हो एकदम हीरो, क्या बात है। इसको देखो, ओहो शर्मा गया जयशवंत। लोग पे एक अपने रशियन फ्रेंड से मिलाता हूँ, सफेवला इनका नाम है, अभी हम दोनों साथ में जाएंगे हॉस्पिटल। हेलो ब्रो। हाय माय फ्रेंड्स, दिस इज माय ब्रदर, इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। या टेल अस अबाउट यू, माय सब्सक्राइबर वांट टू नो अबाउट यू। यस, आई एम सिफुलाइस, आई एम फ्रॉम रोस्टोव ऑन डॉन, एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी? वी आर स्टूडेंट, इट्स अ गुड पर्सन। यस, in Rostov State Medical University. I'm sorry, my English is not very good, but yes. I can say that he is very good person. Thank you. Thank you so much, bro. थोड़ा इनको इंग्लिश थोड़ा कम आता है। Yes, yes, my brother. Yes. Okay, bro. Okay, bye. Okay, bye, bye. सो गाइज, ये था शफेउल्ला, रोस्टोव ऑन डॉन सिटी से ही है, और अभी हम दोनों साथ में ही हॉस्पिटल अभी आए थे। तो फिर मैं ब्लॉग कर रहा था, तो मैं ब्लॉगिंग बना रहा था, तो देखा कि वीडियो भी बनाते, उसको पता था कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ऑलरेडी चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा, तो मैं सोचा चलो आ जाओ, आज मैं तुमको जो है अपने वीडियो में लेता हूँ। और बहुत अच्छा लड़का है, और रशियन जो है ना इंडियंस को काफ़ी हेल्प करते हैं, हर एक चीज़ में सपोर्टिव भी है, और रशियन जो है ना इंडियन को पसंद भी करते हैं, लड़की वाला पसंद मत समझना, इंडियन लोगों को पसंद करते हैं रशियन लोग, वो वाला पसंद मत समझ लेना, समझे ना। आज जो है ना बहुत मस्त वाला हवा चल रहा है, एकदम ठंडा, ये हवा जो है ना आज बहुत ठंड भरा दिया है। बाकी जो है ना ऐसे अगर हवा ना चले तो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, लेकिन आज तो मैं बिना ग्लोव्स का आया हूँ, एकदम लग रहा है कि हाथ कट गया। सुबह तो भी मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। ये देखो हवा इतना तेज़ चल रहा है, लेकिन मेरे जैसे लग रहा है बाहर निकलने की कोई नहीं बाहर, टोपी ओपी जैकेट का सब लगा के निकले हुए हैं। यहीं पे बगल में पेस्ट्री शॉप है, जहाँ से मैं पेस्ट्री खाता हूँ वहाँ पे कॉफ़ी भी मिलता है, तो अभी चल के सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं और पेस्ट्रीज खाते हैं, नहीं तो बाहर जो है ना, और अभी जाऊँगा ना अंदर दुकान में, एकदम मस्त, एकदम गर्मी पूरा जो है ना 5 मिनट में जो है ना पूरा ठंडा खत्म हो जाएगा। माय गॉड, यहाँ थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है मुझे, अदरवाइज अदना रिजिक बस इस तिली नियत। ये तो मेरा चाय 300 ml 45 रुपये का है, उसके बाद कॉफ़ी एक्सप्रेसो 100 ml 60 रुपये, अमेरिकानो कैपेचिनो पीते हैं 90 रुपये का है 200 ml, और ये रहा इधर मेरा पेस्ट्री। आज जो है ना ये देखो पूरा पुस्किंस के एस्टेट जो है ना खाली लग रहा है, सैटरडे और संडे जो है ना वीकेंड पे पुस्किंस के एस्टेट पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लेकिन आज नहीं है क्योंकि आज ठंड ज़्यादा है, इसीलिए लोग आज बाहर नहीं निकले हैं, निकले हुए हैं थोड़ा बहुत, जैसे अभी इधर देखो एक दो दिख रहे होंगे। और ये देखो इधर ये रहा इलेक्ट्रिक साइकिल,
तो आज ठंड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए अभी जो है अभी डायरेक्ट हॉस्टल निकल का जम जाएगा, क्योंकि मैं जैकेट भी इतना पतला पहन के आया हूँ ना, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा हवा होगा। मैं सोचा चलो नॉर्मल होगा, नॉर्मल जैकेट पहन के चलते हैं। ये स्नोफॉल वाला जैकेट नहीं है, ये जैकेट स्नोफॉल वाला नहीं है, और ये रशिया का भी नहीं है, ये इंडिया का जैकेट है। तो इसमें थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रहा है, अगर यहाँ वाला जैकेट मोटा वाला अगर पहन के आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा है, वीडियो पे भी कमेंट कर रहे हैं, भैया जो नया NMC का रूल है, इसके बाद जो रशिया का कोर्स ड्यूरेशन है MBBS का, वो 7 साल का हो जाएगा या फिर 6 साल का ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि रशिया और यूक्रेन का जो 6 साल का ड्यूरेशन है वो 6 साल ही रहेगा, 7 साल नहीं होगा। मार्केट से कुछ अफवाह सुन रहा है जैसे रशिया में 7 साल का MBBS हो गया, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। रशिया में MBBS 6 साल का ही रहेगा, आपको 6 साल ही यहाँ स्पेंड करना है, उसके बाद आपको इंडिया में जाकर 1 साल का इंटर्नशिप करना है, वो जो कि कंपलसरी है अगर आप अब्रॉड से MBBS कर रहे हो। तो भी अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमको व्हाट्सअप पे या फिर इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सो गाइज, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, अगर हमारा चैनल रशिया मेडिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।